सोलन में लगातार लोग बाहरी राज्यों से आ रहे हैं और इस बात की जानकारी ना तो वे खुद जिला प्रशासन को दे रहे हैं और ना ही मकान मालिक थोड़े से किराए की लालच में ये जानकारी प्रशासन को दे रहा है, जिसके चलते अब उपायुक्त सोलन केसी चमन ने उन लोगों को चेतावनी दी है जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं और ये घोषणा की है कि अगर कोई भी व्यक्ति चोर रास्तों से सोलन में प्रवेश करता है और सोलन में आकर यहाँ रहने लग जाता है, उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी जो ऐसे व्यक्तियों को शरण देगा, जिसके चलते उपायुक्त सोलन केसी चमन ने सभी अधिकारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं ताकि कोरोना संकट को सोलन में कम किया जा सके। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि जो भी मकान मालिक बिना बताए अनजान लोगों को मकान किराए पर देगा, उसके खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। उन्होंने कहा कि ये देखा गया है कि बाहरी राज्यों से चोरी छुपे लोग सोलन में आ रहे हैं और किराए पर मकान लेकर रहने लग गए हैं। अगर प्रशासन को इस बात की भनक लगती है तो जहां एक ओर उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वहीं मकान मालिक के खिलाफ भी तथ्यों को छुपाने के चलते कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को मकान किराए पर देने से पहले जिला प्रशासन को सूचित करना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि जनता और प्रशासन मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं, इसलिए सभी जागरूक रहें और जिला प्रशासन तक आवश्यक जानकारियां पहुंचाएं और नियमों की सख्ती से पालन करें। हमने धारा 144 में पहले हमने प्रोक्लेमेशन कर दी है, कोई भी फेरी वाला कोई भी आदमी जिसने रेडी फड़ी बाहर से आया है उसका पहला कर्तव्य है वो पुलिस को अपनी रिपोर्टिंग दे। अगर कोई मकान मालिक बिना पुलिस को रिपोर्ट दिए कोई किराए पे ले रहा है उसके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई 188 से होगी और एपिडेमिक एक्ट भी उसके मकान मालिक के ऊपर लगेगा। तो ये सुनिश्चित करें कि किराया देने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आज किसी भी अजनबी को किराया देने से पहले पुलिस को रिपोर्टिंग करवाए। ये मेरी 144 में मेरी प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी सर्कुलेटेड है और ये लागू है। कृपया सारे आदमी जनता हर एक आदमी सतर्क रहे। किसी से बहुत ही जो एसेंशियल सर्विसेज तो ऑलरेडी है, मेडिकल एमरजेंसीज हैं, कईयों के इंटरव्यूज़ हैं, एग्जामिनेशंस हैं, इस टाइप के जो बहुत ही विशेष परिस्थितियां हैं उसका प्रूफ उन्हें दिखाना पड़ेगा, उसके आधार पे ही उनको परमिशन दी जाएगी। अब परमिशन आना जाना अब आम तौर पे बिल्कुल मना है, ये बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया करेंगे कि एक आदमी का जो प्लेस ऑफ ऑरिजिन है उसका वो प्रूफ लगाए और जहाँ जा रहा है उसका भी प्रूफ लगाए। अगर उसने सोलन बनाया तो यहाँ का कोई एड्रेस प्रूफ लगाएगा पास में, अगर वो कहीं पानीपत में कहाँ किराए पे रह रहा था उसका वो प्रूफ लगाए। तो हमें ये पता है कि भाई वहाँ पे स्टैंड ये था यहाँ पे, और मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई तभी विशेष परिस्थितियों में वो आ पाएगा, अदरवाइज़ ये आना आवाजाही पर पूरी पाबंदी लग चुकी है। और अभी हमारा टाइम शेड्यूल चेंज करने का ये नहीं है, अभी हमारा पूरा हिमाचल में स्थिति सोलन जिले में बिल्कुल नियंत्रण में है। लोगों का पूरा सहयोग अब हमें चाहिए और सहयोग के साथ आगे बढ़ते हैं। हर एक आदमी हर एक प्रचार प्रसार करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें और नियत समय पे हाथ धोएं और मास्क मुंह तो बिल्कुल ढक के रखें जब बाहर रहे। ये अगर सावधानियां बरतेंगे तो कोरोना आप तक पहुंच ही नहीं सकता।